बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है बोनलेस निहारी। ये मटन का गोश्त है, छोटी, ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं है, छोटी है, क्योंकि हमें जल्दी पकाना है इसको, तो छोटी बोटी है। तकरीबन 1 kg जो है ये मटन है, और चॉप की हुई जो है ये प्याज है, इस तरह लंबी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दें और इसको थोड़ा सा फ्राई करें। फ्लेम को हल्का रखिएगा, ज्यादा तेज नहीं रखिएगा, और इसको हल्का सा फ्राई होने दें। हमारा थोड़ा सा हल्का सा ये हो गया है, इसके अंदर आप जितना भी आपका मटन था वो आप इसके अंदर डाल लीजिए, और इसको अच्छे से इसके साथ फ्राई करना है। अच्छे से इसके साथ थोड़ा सा फ्लेम आप थोड़ा हाई कर लें, और इसको जो है अच्छे तरीके से इसके साथ फ्राई करेंगे कि बोटियाँ जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए, और मतलब जो हमारे गोश्त का कच्चापन है या स्मेल वगैरह है वो भी जो है इसमें से ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा भूनने से, क्योंकि हमें बाद में इसको जो है वो भूनना नहीं होता है निहारी में, पहले ही हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं ज़्यादा देर। Thank you.
गुठलियाँ ना बने और इसको जो है आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इसके साथ डालेंगी और अच्छे से इसको घुमाएंगी। और फ्लेम को थोड़ा हाई रखिएगा। उस तक इसको थोड़ा सा तकरीबन 2-3 मिनट आप चलाएं इसको, ताकि जो मैदा है वो हमारी गुठलियाँ ना बने और पानी में मिक्स हो जाए। जब तक ये यहाँ से आपका जो है ये शोरबा यहाँ से थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्योंकि हमने जब मैदा मिलाया है तो उसमें थोड़ी आपकी जो निहारी है वो थोड़ी थिक हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा उबाल आने तक हम हाई फ्लेम में रखेंगे। ये हमारा उबाल आने लगा है इसमें और आप ये देखिए हमारा शोरबा थोड़ा सा थिक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसको थोड़ा सा चलाते रहिएगा ताकि जो है ये हमारे निहारी जो है जो हमने मैदा डाला है वो गुठलियाँ ना बने। और दूसरी साइड पे इसको तड़का लगे, जब तक ये जो है हमारा थिक हो और मज़ीद थिक हो जाएगी थोड़ी सी, तो तब तक भी हमारा ये निहारी तैयार होती है।
बोनलेस निहारी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जब मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। और अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।